नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी इस यात्रा का नाम आभार कार्यक्रम रखा है। तेजस्वी समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगाया, इसके बावजूद बिहार में एनडीए की सीटें कुछ कम जरूर हुई, लेकिन 75% सीटों पर कब्जा बरकरार रहा और अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। मुकाबला नया है तो तैयारी भी नए सिरे से करनी है और तेजस्वी इसकी शुरुआत कर रहे हैं यात्रा से। 10 सितंबर से तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर के उजियारपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसी यात्रा के जरिए तेजस्वी 2025 के सियासी मुकाबले की तैयारी का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की तैयारी और प्रचार में जुट जाएं, स्थानीय लोगों से संवाद करें और उन्हें यात्रा के बारे में बताएं। हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ लगे हैं और जिन पर सरकार को घेरा भी जा सकता है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर तेजस्वी को घेर रहा है। ये अपने जमीन जो नियुक्ति के नाम पर वसूले थे माता पिता के 15 साल के जंगल राज में और अपने पीरियड में, उस जमीन का ये सर्वे भी करेंगे, उसको बचाने का उपाय के लिए संवाद भी करेंगे और बिहार में आग लगाने का प्रयास भी करेंगे। एनडीए नेताओं का कहना है कि जिस कर्पूरी ठाकुर का तेजस्वी यादव के पिता ने उपहास उड़ाया था, आज तेजस्वी यादव यात्रा की नौटंकी करके जनता को भरमाने में लगे हैं। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? समस्तीपुर से। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब के अनुसरण करने वाले लोग हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मैं आपको आईना दिखा देती हूँ उस कालखंड का जब आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का किस तरह से उपहास उड़ाया था। हालांकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं रही है, ये नीतीश की सियासत का तरीका है, लेकिन तेजस्वी अब नीतीश वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं जिसे सत्ता पक्ष ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं। 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को। तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी यात्रा का प्लान ऐसे ही नहीं बनाया है। नीतीश और बीजेपी के साथ आने के बाद सत्ता पक्ष काफी मजबूत है, लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो चुका है। हाल में हुए रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही, तो अब वक्त है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का और संगठन मजबूत करने का। हर जिले की यात्रा कर तेजस्वी जनता का मूड भी भांप सकते हैं और उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है। देखना होगा तेजस्वी की इस यात्रा का क्या असर होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचन के बाद आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जितनी भी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के लिए भार बनती चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यात्रा करने। उनकी पार्टी जहां है आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा है। नितिन नवीन ने कहा कि जिस सड़क पर तेजस्वी यात्रा करेंगे वो सड़कें भी एनडीए सरकार में बनाई गई हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ ही क्या था, सड़क पर गड्ढे थे, स्कूल और अस्पतालों में जानवर रहते थे। आज सड़कें जितने वो यात्रा करेंगे उनके समय पिताजी के गड्ढे मिलते थे,
भूल गए। जब यात्रा करेंगे तुमको ये ध्यान में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता था, पहले थानों में क्या स्थितियाँ रहती थी, लोग थाने का में केवल धंधा चलता था। और आज अगर अस्पतालों में जाएंगे तो उनके पिताजी के समय में जानवर वहाँ मिलते थे, आज अस्पतालों में मरीज हैं और दवाइयाँ हैं। ये अंतर है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में।